हेलो एवरीवन, तो आज हम बनाने जा रहे हैं सबसे आसान वाला सैंडविच। इसको बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। बस खीरा छोटा छोटा काट लिया है, छोटा छोटा पनीर काटा है और कॉर्न लिया है। आप फ्रोजन कॉर्न यूज़ कर सकते हैं। ये कॉर्न तो सीजन का कॉर्न है, मैंने बॉईल करके रखा हुआ है फ्रिज में, तो मैं वही यूज़ कर लेती हूँ। तो अब इसमें काली मिर्च बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो काली मिर्च डाले हैं, चिली फ्लेक्स डाला है और सीजनिंग डाली है। ये सीजनिंग मेरे घर एक बार पिज्ज़ा आया था, वही उसी में का बचा था तो मैंने डाला। टोमेटो केचप डालना है, नमक थोड़ा सा ही डालना है क्योंकि मायोनीज़ में नमक होता है, और मैंने थोड़ा सा चीनी डाला है, आप चाहें तो ना डालें। और खूब सारा मायोनीज़ डालना है और इसे अच्छे से मिला लेना है। और ये हमारा जो सैंडविच के अंदर भरने का है वो तैयार हो गया है। तो स्टफिंग तैयार हो गई है, तो अब ज़्यादा काम नहीं बचा है। ब्रेड लेना है और ब्रेड के ऊपर ये जो स्प्रेडिंग है इसको अच्छे से स्प्रेड कर देना, पूरा ब्रेड पे चारों तरफ अच्छे से लगा देना है। अब दूसरा ब्रेड लेना है और इसके ऊपर लगा देना है, और बस अब इसे हम सेकेंगे। सेकने के लिए तवा लिया है, तवा पे मैंने यहाँ पे घी यूज़ किया है। आप चाहें तो बटर यूज़ कर लें, बटर भी बहुत अच्छा लगता है, पर मेरे पास अभी बटर नहीं है तो मैं घी यूज़ कर रही हूँ। सैंडविच के ऊपर साइड भी मैं घी लगा दे रही हूँ ताकि मैं पलटूंगी तो वो अच्छे से सिक जाएगा, उसको भी घी चाहिए सिकने के लिए। तकरीबन 2-3 मिनट एक एक साइड पे पकाना है, मतलब टोटल 4 मिनट तो लग जाएगा। फ्रेंड्स, एक तरफ सैंडविच को 2-3 मिनट पका लिया है, दूसरी तरफ पलट दिया, दूसरी तरफ भी 2-3 मिनट पकाएंगे और हमारा ये सैंडविच अब जो है पक कर तैयार है। मैं इसे निकाल लेती हूँ एक प्लेट में। मैं एक सैंडविच को कट करके आपको दिखाती हूँ कि अंदर से कैसा बना है। देखिए कितना अच्छा बना है। मेरा कैमरा उतना अच्छा नहीं है तो अच्छा नहीं दिख रहा है, पर ये बहुत अच्छा और बहुत टेस्टी बना है। आप ज़रूर बनाएं, आपके घर में बच्चे हैं तो इसे बहुत पसंद करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।